लुधियाना के थाना मेहरमान इलाके के अधीन आते प्रेम कॉलोनी में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब इसी इलाके में कुछ दिन पहले खुली कबाड़ की दुकान में एकदम से धमाका हो गया। ये धमाका उस समय हुआ जब दुकानदार एक बड़े गैस सिलेंडर से गैर कानूनी तरीके से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहा था, तो इस दौरान एक सिलेंडर फट गया जिसकी चपेट में आकर एक महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने सीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा मामले की जांच शुरू कर दी है। दुकान कबाड़ की दुकान है जी, कबाड़ बंदा कबाड़ गया, कबाड़ की दुकान है, उत्थे बेसमेंट से सिलेंडर सिलेंडर फटाया। कोई इन्हें पता किया जा सकता भी भीड़ ज़्यादा सी, जो इंजन में लिया के इतने दाखिल करा फिर देखा भी पड़ताल करके बिचों सिलेंडर फटाया की गल करते नहीं, कोई पता नहीं, पता लगेगा जाके पड़ताल करके पता लगेगा जी। अच्छा जी, दोषी जोड़े आरियस है थोड़े जे, उन्होंने बयानों के आधार से भी जी कार्रवाई अमल में जानी चाहिए। बाकी इलाके इलाके बाकी ठीक ठाक है सर। हालत इन्हों का ऑपरेशन चलता जी, जलों होश आए फिर इन्होंने बयान लैके भी जो बयान के आधार से जो कार्रवाई हो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मात्र पुलिस थाने थे मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित इस दुकान के बारे में जहां गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर भरे जा रहे हैं पुलिस को नहीं पता था। लुधियाना से जागृति लहर के लिए विपिन जवाहर के साथ रजिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।